मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर हाइड्रेशन कम होगा तब भी प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देंगे तब भी प्रॉब्लम होती है। चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। और स्पेशली जब आपकी ऑयली स्किन है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलना बड़ा टफ होता है। और अगर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर भी हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही पुराना है, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा अगर यूज़ ना भी किया हो तो, वो है ये लैक्टोकैलामाइन डेली फेस क्रीम लोशन। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। इसमें एक और आता है जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से। और मेरा इस लोशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा इसने काम किया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप भी इस लोशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये कुछ ऐसे बॉटल में आता है, ये छोटा साइज़ है 60 ml का, एक 120 ml का पैक भी आता है। ईज़िली आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। सारा डिटेल इस पे दिया हुआ है। और ये है केओलिन क्ले थेरेपी। तो इसका की इंग्रेडिएंट है केओलिन क्ले। जो केओलिन क्ले होता है काफ़ी पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, स्किन से एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, दाग धब्बे पिगमेंटेशन को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन पर रेडनेस हो उसको दूर करता है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही इसमें है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। और बहुत सारे सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है क्योंकि यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ग्लिसरीन का यूज़ किया गया है। ग्लिसरीन तो पता ही है कितने अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। साथ ही साथ इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज़ किया गया है। तो कैस्टर ऑयल में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें यूज़ किए गए हैं प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेग्रेंस है इसमें, और इसमें कलर भी यूज़ किया गया है। पर प्रिजर्वेटिव्स के लिए इसमें क्या यूज़ किया गया है, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। पर इसमें प्रिजर्वेटिव्स, कलर, फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो काफ़ी तेज़ है और बहुत लोगों को हो सकता है पसंद ना भी आए। टेक्स्चर की बात करूँ तो बिल्कुल लिक्विड के जैसा है। तो अब बात करते हैं इस लोशन को मैं कैसे यूज़ करती हूँ और इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया। तो मैं इसको दिन में यूज़ करती हूँ। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है कि आपको दिन में यूज़ करना है, नाइट में यूज़ करना है, पर मैं इसको दिन में यूज़ करती हूँ। और नाइट में जो मेरा रेगुलर रूटीन चलता है अलग, वो मैं फॉलो करती हूँ। तो फेस वॉश कर लीजिए, इसके बाद ड्राई करने के बाद इसको लगा लीजिए। और क्योंकि मैं दिन में इसको लगाती हूँ और इसमें ऑलरेडी जिंक ऑक्साइड है, तो मैं कोई भी सनस्क्रीन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ। पर जब मैं बाहर जाती हूँ तो इसके ऊपर सनस्क्रीन भी अप्लाई करती हूँ। जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और आप डर जाओगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो ना, आप बिल्कुल डर जाओगे कि यार ये मेरा चेहरा बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, कितना कैसा लग रहा है। पर आप धीमे धीमे जब इसको मसाज करोगे ना तो आपकी जो वाइट कास्ट है बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जब पूरा गायब हो जाएगा ना वाइट कास्ट, आपका चेहरा इतना प्यारा नज़र आएगा, बिल्कुल ऑयल फ्री स्मूथ नज़र आएगा, बहुत अच्छा ग्लो नज़र आएगा फेस पे और एक फ्रेश लुक ये आपके स्किन को देगा। इसमें फ्रेग्रेंस भी है, फ्रेग्रेंस भी तेज है, पर जब आप इसको आधा घंटे तक लगाए रहोगे ना तो वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल गायब हो जाएगी। आधा घंटे क्या, 15-20 मिनट में ही फ्रेग्रेंस बिल्कुल गायब हो जाती है। तो फ्रेग्रेंस भी आपको इतना इरिटेट नहीं करेगी। तो इसको अभी मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। जो भी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ ज़्यादातर वो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ। दिन के लिए मैं ज़्यादातर एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, मुझे कोई ऐसा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मिलता ही नहीं है जिसको मैं दिन में कहीं बाहर भी लगा के जा सकूँ, क्योंकि वो इतने ऑयली होते हैं कि डर्ट चिपक जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो वो चीज़ें मैं लगाना पसंद ही नहीं करती हूँ। पर जब मैं इसको लगाती हूँ ना, ये 5-6 घंटे तक स्किन को बिल्कुल ऑयल फ्री रखता है। क्योंकि अभी विंटर है तो 5-6 घंटे तक मेरी स्किन पर बिल्कुल ऑयल नहीं आता है। हो सकता है गर्मियों में ये 3-4 घंटे तक ही ऑयल फ्री बनाए, पर ये स्किन को ऑयल फ्री बनाता है, बहुत एक फ्रेश लुक देता है। आपको 5-6 घंटे तक कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो मैं कहूँगी ये बीबी क्रीम की तरह काम करता है।
तो जो लोग भी मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें एक हल्का सा कलर भी है तो आपकी स्किन टोन को ये थोड़ा सा चेंज कर देगा और बहुत ही अच्छा आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा एक ग्लो दे देगा। आपको इसको लगाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, और ये स्किन को ऑयल फ्री रखता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं क्या ये एक एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो क्योंकि इसमें कैओलिन क्ले है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एक्ने के लिए, एक्ने को ड्राई करता है, तो बिल्कुल आपके जो दाने हैं वो ड्राई होने लगेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसको लगाने से ही दाने चले जाएंगे, पर ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपकी हेल्प करेगा आपके दानों को कम करने में। मेरे स्किन पे छोटे छोटे दाने भी थे और थोड़ा सा स्कार्स भी हैं, अभी भी हैं, पर वो धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं, एक दो ही हैं पर धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं। तो ये दाग धब्बों पे भी काम करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, स्किन टोन में काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आप जब इसको रेगुलर 5-6 दिन तक यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको डिफरेंस नज़र आएंगे। मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर चुकी हूँ पर इसने एक अलग ही काम किया, और इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ पर इसका टेक्सचर ऐसा है, इसमें कलर है, तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं इसको यूज़ करूँ। पर जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, यार इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं ना, हर जगह आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ देखेंगे, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, जिनको स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, उनकी स्किन पे ये कमाल का काम करता है। तो बिल्कुल ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, इसको बिल्कुल परचेस करो, इसको यूज़ करो, बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसको भी खरीदने के बाद बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप इसको यूज़ करके देखो। और अगर आप इसको यूज़ कर चुके हो या कर रहे हो, इसके कैसे रिजल्ट्स मिले तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।